कई दिनों से एक मित्र सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी शादी है और लॉकडाउन, लॉकडाउन में हम बारात लेके कैसे जाएंगे। बड़ी तमन्ना थी परिवार के लोगों की कि कम से कम 50 स्कॉर्पियो से हम बारात लेकर के जाएंगे और जिस गांव में जाएंगे वहां ऑर्केस्ट्रा भी होगा, पटाखे छूटेंगे, क्योंकि इकलौता लड़का हूं। मैंने कहा बेटा वो समय समाप्त हो गया और चले जाओ, अच्छा तो होगा कि एक साइकिल उठाओ और 5 लोगों के साथ चले जाओ बारात लेकर के। लॉकडाउन के बाद दुल्हनिया को किसी गाड़ी से ले आना या उसको भी तैयार करो कि पढ़ने में तो साइकिल से गई ही होगी, वो भी साइकिल से आ जाए। अधिक से अधिक मोटरसाइकिल कर सकते हो, उससे भी अधिक करना चाहो तो एक गाड़ी लेकर के, दो गाड़ी लेकर के जाओ और पर्यावरण संरक्षण में आडंबर रहित शादी करके चले आओ। शायद हमारा सुझाव उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन या तो ऐसा करना पड़ेगा या फिर लगन आगे बढ़ानी पड़ेगी। कोई ज़रूरी है कि आगे अच्छा समय आएगा। हमने सब अपने पर्यावरण को नुकसान करने में, छद्म आडंबर दिखाने में, शान शौकत बढ़ाने में नाश कर दिया। आप ध्यान से सुनिए, कुछ पक्षियों की चहचहाट भी आपको सुनाई दे रही है। कोयल रानी एक बार बोलिए आप कहाँ हैं। देखिए पक्षियाँ उड़ रही हैं आकाश में और पक्षियों ने कभी निराश नहीं किया है, उनकी आवाज़ आप सुनेंगे। और भी देखिए अभी उड़ते हुए जा रही हैं। अब हुआ क्या, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है तो मजाल किसकी की रोकेगा। होगा क्या, सारी सड़क पर हमारा कब्जा होगा, क्योंकि जो भी होटल बने हैं इस तरह के लान हैं तो वहाँ तो आप शादी करेंगे नहीं, निकलेंगे दूसरे स्थान से और छाती पीटते हुए, छाती नहीं ढोल पीटते हुए आ जाएंगे आप। छाती पीटना ही कहेंगे आप, ढोल पीटेंगे और लोग छाती पीटेंगे, बहुत लोग मर जाएंगे आपकी वजह से, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज मेरे यार की शादी है, पूरी सड़क पर आपका कब्जा, सारे वाहन सड़क पर खड़े हैं, टाई लगा करके जेंटिलमैन लोग और जो अग्रिम पंक्ति की महिलाएं हैं वह सड़क घेर करके नाच रही हैं। आपने देखा होगा, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, बहुत बार हमने विरोध भी किया है, उसको भी बता रहा हूँ किस प्रकार झेलना पड़ा है। तो दोस्तों पटाखे छूटेंगे, एक बार की बात बता रहा हूँ, पटाखे छूटते हैं तो सीधे जाते हैं ऊपर और जा कर के फूकते हैं। एक बार मैंने देखा बारात निकल रही थी, रास्ते में बगीचा था, कुछ वृक्ष थे और पटाखे छूटते हुए जैसे बगीचे के पास जब बराती पहुंचते हैं तो कुछ तोतों को हमने देखा ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए नाच करके आसमान में ऐसे घूमने लगे और घूमते घूमते एक गिरा और गिर करके कुछ देर तक मैंने देखा ऐसे छटपटा करके दम तोड़ दिया। किसने अधिकार दिया कि आप रात को भी उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। है मजाल, आज चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट और वन्य जीव भी आज ठीक से सांस ले रहे हैं, कोई डर भय नहीं है और हम हैं कि बिल में घुसे हुए हैं, इसलिए हमें करना पड़ेगा। अब करना क्या है भैया, है कोई माई का लाल जो इस तरह से कर दे, मज़ा आएगा यार, कोई बेइज्जती नहीं है। देखिए सुनिए, आवाज़ सुनिए, कुछ ये आवाज़ आप शायद ही पहचान पाएं। अब दूसरी आवाज़ सुनिए, अभी तीसरी और चौथी आवाज़ भी आप सुनेंगे। तो इस तरह से मैं तो चाहूँगा, वेलकम करूँगा भैया, चाहे जिस प्रदेश के होंगे उनके घर जा कर के माला पहनाऊँगा, चाय पीऊँगा, प्रशंसा करूँगा, उनके साथ वीडियो करूँगा यदि कोई साइकिल से बारात लेके चले जाए, कौन बेइज्जती नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा, लोग कहेंगे वाह, ऐसे लोगों को आज आगे आने की ज़रूरत है। हमारे एक अग्रज हैं अंबिका सिंह, जो DPRO पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और बड़े घराने के थे, आज से 55 साल पहले साइकिल से गए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कहा हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, साइकिल से जाएंगे और साइकिल पर बैठा करके ही मैडम को ले आएंगे। बहरहाल बहुत विरोध हुआ लेकिन साइकिल से ही गए। दोस्तों इस तरह से आपको भी अपने आचरण में ढालना पड़ेगा।
किसने अधिकार दिया कि हम उनके जीवन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब सुनिए, पटाखे छोड़ेंगे, पोल्यूशन होगा। आप देखिए, कभी कभी देखते होंगे कि दम घुट रहा, इतने पटाखे, चरखी वाले पटाखे, ऊपर जाने वाले पटाखे और तरह तरह के, तो उससे क्या होगा? वायुमंडल हमारा प्रदूषित होगा, ओजोन परत में लगातार छिद्र होगा। आज ओजोन परत की सेहत काफ़ी कुछ अच्छी हो गई है, उसे लगातार पर्यावरण से हम रिपेयर कर रहे हैं ओजोन परत को। तो इस तरह से आज मैं अपील कर रहा हूँ उन मित्रों से भी, इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि शादी टालने की ज़रूरत नहीं है। और आडंबर रहित कितना अच्छा था, महिलाएं गाली गाती थीं, एक सामान्य सा लाउडर लग गया ठीक है, नहीं तो सुनना किसको है भैया? कोई ज़रूरी है कि पूरे गांव को हम सुनाएंगे, पूरा इलाका जान जाए, पूरा शहर जान जाए कि आज फलां के घर बारात आई है? तो इस तरह से महिलाएँ मंगल के गीत गाएँगी, वह अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी और आराम से बारात लेकर के जाइए और वहाँ से चले आइए, 5 लोग 10 लोग। ऐसे हमारे ज़िले में मैं बताता हूँ, कमसार 18 गांव हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, पठान हैं, कन्वर्ट हुए हैं। उन लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था कि 11 से अधिक बाराती नहीं जाएंगे, इसका पालन भी हुआ। और दहेज के मामले में भी आप क्या समझ रहे हैं, कमर लड़की वाले की ही नहीं टूटती है, आपकी भी टूटती है। और किसी को हमने नहीं देखा है जिसने दहेज का पैसा जमा किया हो, सब नाच गाना और डीजे और आर्केस्ट्रा। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि गीत ना हो, बाजे ना बजे, कितना बढ़िया था, बैंड बाजे बजते थे, द्वार पूजा लगता था, कि उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता था क्योंकि वहाँ कोई लाउडर कोई डीजे नहीं होता था। लेकिन अब यह है कि अब तो भैया जब तक आर्केस्ट्रा नहीं होगा और आर्केस्ट्रा में धाए धाए डीजे नहीं बजेगा, तब तक तो फिर मतलब क्या, लोग जान नहीं पाएंगे। एक और बता रहा हूँ, एक सज्जन की बारात जानी थी, उन्होंने कहा कि इतनी गाड़ियाँ हमने किया है, तो हमने कहा इतने बाराती तो आपके होंगे नहीं। कहा नहीं, बाराती क्यों नहीं होंगे, हमने कहा कड़ी लगन है नहीं होंगे, इन गाड़ियों को कम करके और एक कंप्यूटर ले लीजिए, कंप्यूटर से काम होगा। उन दिनों कंप्यूटर का समय था, हमने कहा एक कंप्यूटर ले लीजिए या फिर एक लैपटॉप ले लीजिए। अब देखिए कोयल रानी आ गई हैं, ये देखिए, शर्मा गई, अब बोलेगी देखिए ऐसे चिढ़ाने पर मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपने भी किया होगा। देखिए फिर और कुछ आवाज़ सुनिए, देखिए प्रकृति का है भैया, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, दम्भ भी नहीं पाल रहा हूँ, लेकिन जैसे जब चाहता हूँ तो मैंने कहा कि कोयल बोलेंगी, मैंने कोई इस वीडियो को रोका भी नहीं था, तो कोयल आ गई। यह सब प्रकृति करती है, सब अपने आप, परमात्मा आपकी आवाज़ सुनेगा, बशर्ते आप अच्छा सोचें, ऐसा करें। बोलिए बोलिए, देखिए उड़ के जा रहे, हाँ क्या बात है, कुछ और सुनिए, देखिए ये सब हमारे समर्थन में है, ब्रजभूषण तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे नारा लगता है ना। देखिए सभी 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 नारा लगा रहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो भैया अभी भी समय है, इनका भी अधिकार है, केवल आप ही का अधिकार नहीं है, और इन्हें भी जीने का अधिकार है। इनके अधिकार को लगातार हमने अतिक्रमित किया है, जिसका हम दंड भोग रहे हैं। कोयल रानी को सुनिए, उधर नीम के पेड़ से बोल रही हैं, अभी एक सज्जन ने कहा क्या फटे बांस की तरह बोलते बोलते हो ऐसे, तो हमने मुझे लगा कि यार कितना रिएक्शन में आदमी है, कितनी प्रतिक्रिया में है, इतना गुस्सा। मैं तो नहीं कह सकता कि भाई आपकी आवाज़ कोयल जैसी सुरीली है। आहा वाह वाह बहुत अच्छा, ऐसे चिढ़ाते थे हम लोग बचपन में, आइए ना बचपन में खो जाए और इसका आनंद लिया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ, हाँ जब बारात लेकर के आइए, शादी करके लौटिए, फिर पौधरोपण करिए। देखिए 10 साल अभी नहीं हुआ है,
या पीपल पाकड़ बरगद है। देखिए कोयल रानी फिर आ गई क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा है। देखिए पीपल पाकड़ बरगद है पूरे मोहल्ले के लिए। हम सभी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था किया है, हमारे पूज्य पिताजी ने इसे रोपित किया है, माता जी के अंतिम संस्कार में भी हम लोगों ने आम के पौधे लगाए। दर्शन करिए इनका, देखिए। आहा, बोलिए 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 बोलिए, देखिए नर मादा दोनों हैं। भैया कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, नहीं रह गए है किसी माई के लाल में दम जो गिद्ध दिखा दे अपने बच्चों को। चंद्रशेखर मिश्र वाराणसी के बड़े कवि थे, उन्होंने एक बार कवि सम्मेलन में वह लाइनें मुझे बहुत अपील की भीतर तक। नारी का लाज बचावे के खातिर भारत में गिधों मरी गई ना, ऐसे उन्होंने कहा था। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर पर्यावरण संरक्षण पर हम बात करेंगे। और आपसे अपील करूंगा कि आप बारात लेकर के आए, पौधरोपण करें, बच्चे का जन्मदिन है वहाँ भी नहीं कुछ हो तो तुलसी का बिरवा ही लगाया जा सकता है। देखिए हमारे घर नीचे भी तुलसी हैं और ऊपर भी तुलसी हैं। हमारे घर सृष्टि हैं सबसे छोटी, देखिए उन्होंने तुलसी लगाया है यहाँ। अब इसमें छोटे छोटे पौधे हैं तुलसी के, इसको हम लोग रोपित करेंगे। बाहर उधर तुलसी है, देखिए वहाँ भी आप देख रहे हैं, उधर भी तुलसी हैंडपम्प के पास है, कुछ फूल पत्ती है, कुछ ऐसे है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा और इस सुझाव पर कोई ना कोई तो पालन करेगा ही। देखिए अमरूद पर भी कुछ पक्षियाँ आ गई हैं, वाह। इन्हें पता है कि हम इनके दुश्मन नहीं हैं, अभी चाँव चाँव करते हुए ये लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब आप महसूस करिए, इसी अमरूद पर मान लीजिए अगर इनका ठिकाना हो और हम रात को पटाखे छोड़ें कैसा लगेगा। अभी उस दिन भी छोड़ा पटाखे लोगों ने, अच्छे अच्छे परिवार के, पढ़े लिखे परिवार के, भाषण उनका सुनिए तो लगेगा कि साहब इनसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं। लेकिन आचरण की शुद्धता कब होगी दोस्तों? एक बार फायरिंग हो रही थी एक शादी में, मैंने मना किया, लोग नहीं माने, हम कुर्सी से उतर के वहीं धरने पर बैठ गए। लोगों ने कहा पता नहीं क्या इनका स्वभाव है, ऐसे ही करते रहते हैं। बहरहाल मेरे ज़मीन पर बैठते ही ध्यानाकर्षण हुआ। उन दिनों में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था और फिर उसके बाद टीका टिप्पणी करते हुए बहरहाल फायरिंग तो रुकी। बहुत से लोगों को देखा है घायल होते हुए मरते हुए। चलिए भैया आज के दिन इतना ही। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से अपने घर पर हूँ। लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। वृद्ध और पुराने लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं, हार्ट का भी प्रॉब्लम है उन्हें, उनके साथ समय दे रहा हूँ। आगे फिर फील्ड के भी काम हम लोग करेंगे। विनम्र भाव से सभी आत्मीय दोस्तों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद।